तो इसी दौरान शायद हुआ जैसे वो बेचारा का ओवर आगे निकलने लगा होगा, अब प्राली है वो बाहर निकल लिटरली से, वो जजमेंट हुई ड्राइवर को भी, वो साइड लगे साइड तरह तो वो देखो बड़ा सीरियस ही है एडमिट, उसके इंजरी है, क्या करेगा क्या रहेगा सिस्टम ना, अकेली अकेला था और साथी भी थे आगे पीछे जैसे बता रहे हैं ना, पलवल की है भाई ये पलवल साइड के, इनका पेपर था पेपर लाइनमैन का पेपर था, पेपर दे के आए थे ये बच्चे पलवल, ये बच्चे चार पांच साथी है और दो ट्रैक्टर ट्रॉली थी आपस में वो जो रेस लगा रहे थे, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले दो रेस लगा रहे थे, पल के पीछे भी एक दो बंदों का बैलेंस बिगड़ा था तो ये रेस लगा रहे थे, तभी उससे तीन का बैलेंस बिगड़ा और ट्रॉली जो है वो किस सर के ऊपर चढ़े, वो जो पल बता भाई एक्सीडेंट हो गया था मर गया ही, उसने ले के उतरे गए हैं और बाकी उसमें जा रही चोट लग गई है, अभी देखते हैं उसको देखें भाई वो ट्रॉली वाला कौन करेगा है, ठीक है ना, कहाँ पर हादसा हुआ है, किसके साथ हादसा हुआ है, क्योंकि वो ट्रॉली वो खरीदी ट्रॉली मोटरसाइकिल पर है, मोटरसाइकिल पर तीन चार बंदे बताओ हैं, उन मरते बताओ हैं एक तो गुजर गया बाकी जा रहे, ठीक है ना, ये उससे मिलेंगे ट्रॉली वाला कौन कहाँ पराली वाली ट्रॉली है, हाँ दीवार की ट्रॉली, हाँ पराली वाली थी आई वहाँ लाइ रही, ठीक है, वो भाग गया ट्रॉली वाला, वो गरीब हाँ नहीं जो चला रहा था ड्राइवर, अब मैं उसके पास है वो खड़े हैं वो डाली में, पुलिस भी देरी से पहुंची है, कौन कह टाइम देखो जी पाँच मिनट सारे लिया हम जी मार टाइम नोट कर लो, आपको रागीरों ने फोन किया था, कोई मुलाजिम था उसके पास बताया हुआ किसी ने अब भाई वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, मुलाजिम फोन आ था कोई होम गार्ड को पता नहीं कौन जी हमारे पास फोन आ गया, ये ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर यमराज बनकर चलते हैं, यमराज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये यहां पर जब चलते हैं तो फिर मौत का बुलावा कभी भी आ सकता है, तो पर है। एक हादसा हुआ है एनबीए जीआर के पास और जो है गंभीर रूप से घायल हुआ है व्यक्ति, और फिलहाल जो है ट्रैक्टर ट्रॉली और जो है बाइक की टक्कर हुई, ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मारी है और गंभीर रूप से घायल हुआ है व्यक्ति और काफी गंभीर हालत है, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है और उसे अब हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहां पर परिवार के लोग भी हैं और भी तमाम लोग हैं, एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेकर जाएगी, ये जो हादसा हुआ है वो एनबीए जीआर के पास हुआ है, बाइक को टक्कर मारी है, गंभीर रूप से घायल है व्यक्ति और जो एक ट्रॉली थी उस ट्रॉली ने ये टक्कर मारी है, कैसे हादसा हुआ कहां पर हादसा हुआ पता नहीं, दो ट्रालियां खड़े जी वे पराली वाली जी कोई आपस में ट्रॉली के साथ ट्रॉली में टक्कर लग गया, ट्रॉली में आगे जा रही थी जी, ट्रॉली चल रही होगी वो उसकी ट्रॉली का पहिया ले गया, तो ये भी पीछे से आ रहे थे शायद, ये दो तीन बाइक पे इकट्ठे हो गए, पलवल के हैं, पलवल के दो साथी थे आगे पीछे होंगे जैसे ना मोटरसाइकिल, तो इसी दौरान शायद हुआ जैसे वो बेचारा का ओवर आगे निकलने लगा होगा, अब पराली है वो बाहर निकल लिटरली से, वो जजमेंट हुई ड्राइवर को भी, वो साइड लगे साइड तरह तो वो देखो बड़ा सीरियस ही है एडमिट, उसके इंजरी है, क्या करेगा क्या रहेगा सिस्टम ना, अकेली अकेला था और साथी भी थे आगे पीछे जैसे बता रहे हैं ना, पलवल की है भाई ये पलवल साइड के, इनका पेपर था पेपर लाइनमैन सहायक का शायद, हाँ हाँ लाइनमैन का पेपर था, पेपर दे के आए थे ये बच्चे पलवल, ये बच्चे चार पांच साथी है, कहाँ पर हादसा हुआ कैसे हादसा हुआ, अल्फा सिटी के पास पे हुआ और दो ट्रैक्टर ट्रॉली थी आपस में वो जो रेस लगा रहे थे, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले दो रेस लगा रहे थे, पल के पीछे भी एक दो बंदों का बैलेंस बिगड़ा था तो ये रेस लगा रहे थे, तभी उससे तीन का बैलेंस बिगड़ा और ट्रॉली जो है वो सर के ऊपर चढ़ गई, हाँ बट काफी पीछे भी एक चांस ऐसे हुआ था कि गाड़ी वाला था उनका भी बैलेंस बिगड़ गया था तो निकल गए थे, अभी एक ट्रॉली वाला भाग गया और एक खड़ा है, तो बाइक की टक्कर हुई है, बाइक की टक्कर हुई है ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ, तो एक बंदा ऑन द स्पॉट डेथ हो गया, बट इतनी देर से 112 पे फोन लगाया, 102 पे फोन लगाया, एम्बुलेंस भी बहुत टाइम बाद, अगर हम बात करते हैं कि सोशल साइट पे की ये बात करते हैं 112 पे एक फोन लगाओ एक मिनट से पहले आएंगे, अदरवाइज नहीं को नहीं मिल रहा है, आधा घंटा हो गया टोटली वोट गवर्नमेंट का, आधा घंटा हो गया 112 को भैया ने कॉल की थी, हमने भी किया 100 नंबर पे, जब तक नहीं आया।
बहुत मुश्किल से बस अब तो पूछो ना क्या हो रहा है। ये बाइक है जिस पर सवार थे युवक और बताया जा रहा है जो आज पेपर था लाइनमैन सहायक का, वो पेपर देकर अपने घर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो गाड़ी का बाइक का नंबर है वो भी HR30T0288 पलवल के शायद रहने वाले बताए जा रहे हैं, क्योंकि आज पेपर था, शायद बाइक पर ही पेपर देने के लिए यहां पहुंचे होंगे। और आप देख सकते हैं कि बाइक का जो आगे का हिस्सा है वो डैमेज हो गया है और एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। क्या है स्थिति उसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता क्योंकि हॉस्पिटल उसकर लेकर गए हैं, लेकिन हालत हद से ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। और कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे थे कुछ पता चला? पलवल साइड के जो इनके साथ थे वो बता रहे थे पलवल के हैं और ये इनके साथ ही थे, ये 3-4 बाइकें थी इकट्ठी जी। कहाँ पर हादसा हुआ? ये NBGR के सामने हुआ है, काफी देर से हुआ है, अब नहीं आधा घंटा हो गया। 100 नंबर पे कॉल की, 112 पे की, कोई नहीं मौके पे आया। किस किस का हादसा हुआ है? ये ट्राली का और बाइक का है। तो एक व्यक्ति की बस अब तो हो ही गई सर, अब तो इतनी देर से। साल का लड़का था ये, तकरीबन हमारी उम्र का ही था, 25-26 साल का था। पेपर देकर आया, तो आप समझ सकते हैं पेपर की तैयारी की होगी, पेपर दिया होगा, उसके बाद अब यहाँ पर वो पेपर देके वापस आ रहे थे। एक गाड़ी यहाँ पर ये भी खड़ी है, अब ये इसका कोई रोल है या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बीच में कितनी देर से खड़ी है यहाँ? ये तो जी हम आए थे 2 बजे आए थे यहाँ से, तब की खड़ी है। तो आपने हादसा देखा कैसे हुआ है? नहीं जी हम तो वापसी में आए ना, तब हादसा हुआ है। तो अच्छा, हम वापसी आने लग रहे थे तो ये यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था। ये गाड़ी तो पहली खड़ी थी जी, जब हम यहाँ से निकले थे तब की खड़ी हुई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हादसा हुआ है, तमाम लोग इकट्ठे हो गए थे। फिलहाल जो गंभीर रूप से घायल व्यक्ति है उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर यमराज बनकर चलते हैं। यमराज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पर जब चलते हैं तो फिर मौत का बुलावा कभी भी आ सकता है। आप समझ सकते हैं कि ये एक ट्राली नहीं है, ये 2 ट्रालियां हैं और 2 ट्रोलियों को ज्वाइंट करके यानी कि जोड़कर ये जा रहे थे और उसी दौरान हादसा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जब 2 ट्रैक्टर ट्रोलियां यानी कि 1 ट्रैक्टर 2 ट्रोलियां एक साथ चलेंगी तो हादसा कितना बड़ा हो सकता है। और ऐसा ही एक हादसा हुआ है जिसमें एक युवक की जो है गंभीर रूप से घायल हो गया है, क्योंकि वो एग्जाम देकर आ रहे थे। आज लाइनमैन बिजली बोर्ड का एक पेपर था और उस पेपर को देने के बाद जब वो घर जा रहे थे उस दौरान हादसा हो जाता है और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी ये मिली है कि वो पलवल का रहने वाला था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ओवरलोड ये ट्रॉलियां होती हैं, किसी में पराली भरी होती है, किसी के अंदर जो है और कोई सामान होता है, और ऐसे में अगर इस तरीके से ये हाईवे पर चलेंगी तो फिर हादसा होने का जो डर है वो बना रहता है। एक हादसा जो अभी हुआ है नेशनल हाईवे पर, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। अपील है कि इस तरीके से ओवरलोड ना हो, अगर ओवरलोड होता है तो फिर उससे हादसा होने का डर बना रहता है, क्योंकि दुपहिया वाहन पर भी लोग जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे होते हैं, रफ्तार तेज होती है और ऐसे में जब हादसा होता है तो कोई घायल हो जाता है और किसी की मौत हो जाती है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे से, और आए दिन हादसे सुनने को मिलते रहते हैं और आज फिर से एक काफी बड़ा हादसा हो गया है हाईवे पर। ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली आप अपने सामने देख रहे हैं जिस पर 2 ट्रॉली साथ में जुड़ी हुई है जॉइंट में, इसी ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी और उसके बाद जो वो व्यक्ति था गंभीर रूप से घायल हो चुका है और कहा जा रहा है कि वो एग्जाम देकर अपने घर वापिस जा रहा था। आज दरअसल पेपर था लाइनमैन का बिजली बोर्ड में जो होता है, वो पेपर देकर अपने घर वापस जा रहा था और रास्ते में उसे एक ये ट्रॉली जो ट्रैक्टर ट्रॉली है टक्कर मारती है और वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हालांकि देख सकते हैं पुलिस भी यहां पर पहुंच चुकी है, डायल 112 यहां पर पहुंच गई है मौके पर, पूरी कार्रवाई की जाएगी, जांच
की जाएगी कि किस तरह से ये हादसा हुआ, गलती किसकी थी, उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार क्या हुआ। और वो जो व्यक्ति है वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुआ है, अभी काफ़ी कुछ पता नहीं चल पाया क्या उसका नाम था, कहाँ का रहने वाला था, ये भी नहीं पता चल पाया है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल हुआ है, ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हाईवे पर हुई है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, देख सकते हैं यही बाइक है HR30T0288 इसका नंबर है। और देख सकते हैं आगे से जो है डैमेज दिख रही है थोड़ी सी, और इसी पर जो व्यक्ति था, और आप अगर मैं लाइट दिखाऊं, लाइट जो है यहाँ से टूटी हुई है तो वो डैमेज हुई है थोड़ी सी, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति है काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुआ हुआ है। पुलिस यहाँ पर हालांकि पहुँच चुकी है, डायल 112, तो पूरी जांच पड़ताल की जाएगी और पुलिस यहाँ पर उनसे हम बजाने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कहना है। हाँ जी, हमारे पास सुमित जी, वहाँ था जी एक्सीडेंट हो रहा है, ये वो जो पहला बता भाई एक्सीडेंट हो गया था, मर गया है, उसने ले के चले गए हैं और बाकी उसमें जा रही चोट लग गई है। अभी देखते हैं उसको, देखें भाई वो ट्रली वाला कौन करेगा है, ठीक है। कहाँ पर हादसा हुआ है, किसके साथ हादसा हुआ है? वो ट्रली वो खरीदी ट्रली ट्रली मोटरसाइकिल पर है, मोटरसाइकिल पर 3-4 बंदे बताओ हैं, उन मर्द बताओ हैं, एक तो गुजर गया बाकी नजर, ठीक है। ये वो उससे मिलेंगे, ट्रली वाला कौन कहाँ ट्रली वाली ट्रली है? हाँ दी वाली ट्रली, हाँ ट्रली वाली जी आई वाला है जी, ठीक है। वो भाग गया है ट्रॉली वाला? वो गरीब हाँ नहीं, जो चला रहा था ड्राइवर, जाऊँ उसके पास है, वो खड़े हैं वो दाली में। पुलिस भी देरी से पहुंची है, कौन कर दी मार्टियम देखो जी, 5 मिनट सारे लिया हम जी मार्टियम नोट कर लो। आपको रागीरों ने फोन किया था? हाँ जी, कोई मुलाजिम था उसके पास बताया, वो किसी ने अगर भाई वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, मुलाजिम फोन आया था कोई होमगार्ड को पता नहीं कौन जी, हमारे पास फोन आ गई, चलो वो चलो भाई। तो लाइव तस्वीरें हाईवे से देख रहे हैं कि इस कुछ इस तरह से भी बताया जा रहा है, पुलिस ने जिस तरह से बोला कि बाइक पर 3 से 4 लोग सवार थे और हादसा ये काफ़ी बड़ा होता है हाईवे पर, आए दिन ऐसे हादसे देखने को मिलते रहते हैं, कभी लोग स्पीड से गाड़ी में चलाते हैं, हाईवे पर ध्यान से नहीं चलाते हैं और लोगों की जान जो है जोखिम में इस तरह से आ जाती है, काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अगर गाड़ी का नंबर मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी, HR30T0288 ये बाइक का नंबर है, इसी बाइक पर सवार थे 3 से 4 लोग बताया जा रहा है। और ट्रैक्टर ट्रॉली वो आप मैं अगर आपको दिखाऊं, वो सामने खड़ी हुई है पराली से भरी हुई, 2 ट्रॉलीज एक ही ट्रैक्टर से जॉइंट हुई है, उसी ने यहां टक्कर मारी, उसके बाद बाइक यहीं रह जाती, लेकिन वो काफ़ी आगे जाके ऐसा कहा जा रहा है कि ड्राइवर कुछ दिख तो नहीं रहा, शायद ड्राइवर यहां से लगता है फरार हो चुका है, उसको लगा कि काफ़ी गंभीर ये हादसा हो चुका है और काफ़ी लोग घायल भी हो चुके हैं। पुलिस ने बताया कि किसी ने उनको कॉल किया और उसके बाद वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। बाकी पूरी हम और भी जाँच करने का प्रयास करेंगे, पुलिस से बात करने का प्रयास करेंगे कि कहाँ के वो लोग रहने वाले थे और किस तरह से आगे जाँच पड़ताल की जाएगी और किस तरह से कार्रवाई की जाएगी जो ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर